इस मशीन से आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट पैक कर सकते हो, उन्हें मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि ये सब प्रोडक्ट ख़राब हो चुके होंगे, ये तो एकदम पत्थर जैसा हो गया है, ठीक है जब इसको खोलेंगे तो ये तो पत्थर जैसा ही रहेगा अंदर से भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस मशीन लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर आप ये जो छोटी सी मशीन देख रहे हो, इस मशीन से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी मशीन है, देख सकते हो आप, ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है, बहुत ही छोटी सी। इस मशीन को लगाकर आप अपना खुद का एक छोटा सा धंधा शुरू कर सकते हो अपने घर से। और दोस्तों इस मशीन को लगाकर आप बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप के जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है आप इस मशीन को लगाकर बना सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कैसे आपको प्रोडक्ट को तैयार करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, प्रोडक्ट को पैक करके बेचने पर आपका कितना प्रॉफिट होगा, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है आप इस मशीन से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि कैसे आपको जो है इस मशीन से प्रोडक्ट को तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, ये रही वो छोटी सी मशीन, इसी मशीन से जो है आप अपना खुद का धंधा शुरू कर सकते हो। इस मशीन से आप बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। यहाँ से जो ये मशीन ऑन होती है, तो यहाँ पर ये देखिए मशीन को ऑन कर दिया और यहाँ पर जो है लाल लाइट जल चुकी है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये दो स्विच है, यहाँ से ये जो मशीन है ओपन होती है, ये यहाँ से मशीन जो है हमारी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब इस मशीन से आप कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, कैसे तैयार कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ये ले लो, हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को आपको इस पाउच के अंदर डालना है और फिर उसके बाद जो है ये मशीन का आप यहाँ पर जो स्विच देख रहे हो, इस स्विच को आपको यहाँ से ऐसे आगे करना है। अब हमारी मशीन जो है काम करना स्टार्ट कर दिया मशीन ने। फिर उसके बाद इस पाउच को जो है आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाना है। ये मैंने यहाँ पर पाउच को लगा दिया। उसके बाद यहाँ से इसके हैंडल को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो पाउच के अंदर की जो एयर है ना, कंप्लीट एयर इस मशीन ने बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर पाउच के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है। इस मशीन ने जो है इस पाउच के अंदर की पूरी कंप्लीट एयर बाहर निकाल दी है। उसके बाद दोस्तों ये जो देख रहे हो ये सीलर है, इससे आपको इस पाउच को पैक करना है, ठीक है। पाउच पैक करने के लिए यहाँ पर जो है आप टाइम सेट कर सकते हो कि कितने सेकंड में जो है आपको इस पाउच को पैक करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 सेकंड सेट करके रखा हुआ है, आप यहाँ से 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मेरा पाउच जो है 3 सेकंड में पैक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 सेकंड सेट कर दिया है। उसके बाद इस सीलर को जो है अपने दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस कर दिया और ये जैसे लाइट बंद होगी पाउच, ये लाइट बंद हो गई, पाउच पैक हो चुका है। ये देखो, अब आप इस पाउच की क्वालिटी देखो, कितना शानदार हमारा पाउच लगा। और यहाँ पर इसकी सीलिंग देखो, 5 mm की मोटी सीलिंग होती है इस मशीन से, ठीक है। अभी मैं आपको और पाउच पैक करके बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये दाल है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इस स्विच को स्टार्ट कर दिया, ये मैंने यहाँ से जो है इसको अंदर लगा दिया। उसके बाद ये मैंने इसके हैंडल को यहाँ से प्रेस कर दिया। अब ये देखिए, दाल के अंदर की जो कंप्लीट एयर है वो इस मशीन ने बाहर निकाल दी। आप देख सकते हो एकदम पत्थर जैसा हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखिए ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ से जो है इसके हैंडल को प्रेस करता हूँ मैं और ये हमारा पाउच जो है वो पैक हो जाएगा। ये मैंने हैंडल को प्रेस किया, ये लाइट बंद हो गई, ये पाउच पैक हो गया। अब देखो, ये देखो सीलिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो आप, कितना शानदार हमारा प्रोडक्ट लग रहा है। अब इसके पीछे जो है आप अपनी कंपनी का स्टिकर लगा के इसे मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। ये परमार प्रोडक्ट का स्टिकर है, ये मैंने इसको खोल दिया यहाँ से और ये लगा दिया। अब देखो कितना शानदार ये हमारा पाउच लग रहा है, ठीक है। अब आप इसको मार्केट में बेच सकते हो, पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा, आगे से कुछ ऐसा दिखेगा। अब लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट लग रहा है इतना शानदार है तो क्यों नहीं खरीदेंगे। अब आपका ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेल होगा। इसी टाइप से मैं आपको और भी प्रोडक्ट पैक करके बताता हूँ। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स में कच्ची सींग है, ठीक है, आप इससे काजू पिस्ता जो प्रोडक्ट पैक करना चाहो पैक कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये इसके हैंडल को प्रेस किया। अब ये देखो इसके अंदर की कंप्लीट एयर जो है बाहर निकल गई है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है। और एयर नहीं होने से एक फ़ायदा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको पैक कर देता हूँ, ये पैक कर दिया, ये लाइट जैसे बंद होगी पाउच पैक हो जाएगा। लाइट बंद हो गई, पाउच पैक हो चुका है। ये देखो क्वालिटी देखो आप। अब आप इसको डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हो।
अगर इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो 5 रुपये का है, ऐसे पैक करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को 20 रुपये में बेच सकते हो, क्योंकि लोगों को यूनिक लगेगा, शानदार लगेगा। ये आइटम ही कितनी शानदार लग रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों एयर निकलने का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर एयर ही नहीं है तो आप सभी लोगों को पता है कि हवा लगने से बहुत सारे प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। अब इसके अंदर एयर ही नहीं है तो ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे, बहुत टाइम तक जो है ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में चलेगा। बहुत टाइम तक आप इस प्रोडक्ट को ऐसे पैक करके रखो, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। दुकान में लोग जो है इसको बहुत टाइम तक अब रख सकते हैं, यानी नॉर्मल अगर ये दाल जो है 20 दिन में ख़राब हो रही है तो इस मशीन से पैक करने के बाद ये 40 दिन तक चलेगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे दाल जो है 1-2 साल तक चलती है, कुछ भी नहीं होता है, तो इससे पैक करने के बाद 3-4 साल तक आराम से चल सकती है, ठीक है। जैसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम आलू पैक करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि आलू जो है ना कम से कम अगर आप 15-20 दिन रखते हो तो ख़राब हो जाते हैं, तो इससे पैक करने के बाद आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हो, ख़राब नहीं होगे। ये मैंने इसके अंदर की एयर निकाल दी, अभी निकल रही है एयर, देखो ये देखो कंप्लीट एयर निकल चुकी है। अब दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है, एयर ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे ख़राब होगा आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको भी पैक कर देता हूँ, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो अभी पैक हो जाएगा कुछ ही सेकंड में, ये पैक हो गया। अब देखो कितना शानदार लग रहा है। 500 ग्राम ये आलू है, अगर 500 ग्राम आलू मार्केट में 10 रुपये में बिकते हैं तो आप इनको 15 में बेच सकते हो, उनको बोल सकते हो कि अब ये ख़राब नहीं होगा, या फिर आप किचन यूज के लिए भी जो है इस मशीन को ले सकते हो। बिजनेस पर्पज़ के लिए मशीन बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको और भी प्रोडक्ट पैक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये देखो इसके अंदर की भी जो है कंप्लीट एयर इस मशीन ने निकाल दी है। हैंडल को प्रेस करते ही मशीन एयर खींच लेती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से इसके हैंडल को प्रेस करता हूँ मैं, ये प्रेस कर दिया, ये पाउच पैक हो गया। अब देखो, और दोस्तों सबसे खास बात आप क्वालिटी देखो, कितनी शानदार क्वालिटी की पैकेजिंग हुई आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये पाउच जो है कभी फटेगा भी नहीं, ये पैकेजिंग खुलेगी, क्योंकि मोटी पैकेजिंग होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी मोटी पैकेजिंग हुई है, ठीक है। और देखो प्रोडक्ट कितना शानदार लग रहा है आगे से और पीछे से। अब मैं इसको भी पैक कर देता हूँ। अलग अलग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको लगता है वो प्रोडक्ट आप इस मशीन से पैक कर सकते हो। ये पैक हो गया, देखो मशीन के अंदर डालते ही मशीन प्रोडक्ट की एयर बाहर निकाल देती है। ये मैंने इसको पैक कर दिया, ये पैक हो गया, देखो अब कितना शानदार लग रहा है देखो। तो दोस्तों ये जो मशीन है ना, ये बहुत ही शानदार मशीन है, यूनिक मशीन है। इस मशीन से आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट पैक कर सकते हो, उन्हें मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि ये सब प्रोडक्ट ख़राब हो चुके होंगे, ये तो एकदम पत्थर जैसा हो गया है, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ये तो पत्थर जैसा ही रहेगा अंदर से भी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप इसको खोलोगे ना तो ये एकदम पहले वाले शेप में आ जाएगा। मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये दाल है तो मैं आपको दाल को खोल कर दिखाता हूँ, देखो। जैसे ही मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, जैसे इसके अंदर एयर जाएगी ना तो ये वापस दाल पहले वाली शेप में आ जाएगी। ये देखो जैसे एयर गई, ये देखो, अब ये देखो एक एक दाल हो गई। ये देखो, आप सोच रहे होगे कि दाल सब खराब हो चुकी होगी, अभी देखो ये भी कैसा पत्थर का पत्थर लग रहा है, देखो। जैसे किसी के सिर पे मारा हो तो आदमी मर जाए, लेकिन जब अपन इसको खोलेंगे ना तो ये वापस पहले वाले शेप में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो। तो दोस्तों यही तो खासियत है इस मशीन की, बहुत ही शानदार मशीन है, यूनिक मशीन है, ठीक है। अब देखो इसको भी खोलता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो। भले आप एक साल तक इस पैकेट को ऐसे ही पड़ा रखो, जब भी खोलोगे ना तो प्रोडक्ट 100% पहले वाले शेप में आ जाएगा। ये देखो अभी, ये देखो जैसे अंदर एयर जाएगी प्रोडक्ट पहले वाले शेप में आ जाएगा। ये देखो, तो दोस्तों बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो है आप इस मशीन से पैक कर सकते हो और उन्हें मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि हम एक पैकेट के पीछे कितना प्रॉफिट रखें, कितनी कमाई जो है हम एक पैकेट के पीछे रख सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा होगा, तो ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। जहाँ से आप इस मशीन को खरीदोगे वहीं से आपको ये सब जानकारी मिलेगी। अभी आप सोच रहे होगे कि मशीन कहाँ से खरीदे, तो ये मशीन जो है आपको परमार प्रोडक्ट्स कंपनी के पास मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो
परमार प्रोडक्ट कंपनी के पास आपको ये मशीन मिल जाएगी। कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। कंपनी का नाम है परमार प्रोडक्ट और इस मशीन के साथ में आपको एक इस टाइप की बुक दी जाती है, ये देखिए इस टाइप की बुक दी जाती है। इस बुक के अंदर क्या मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल बिजनेस आइडियाज बुक, गर्मियों के लिए बिजनेस आइडिया, बरसात के लिए बिजनेस आइडिया और सर्दियों के लिए बिजनेस आइडिया, तीनों टाइप के बिजनेस आइडिया, तीनों सीजन के बिजनेस आइडिया आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बिजनेस आइडिया के कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। गरम मसाला बिजनेस कैसे शुरू करें, एक रुपये वाली पेप्सी का बिजनेस कैसे शुरू करें, वैक्यूम सीलर मशीन से पैकेजिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें, देखो ये मशीन है, इस मशीन की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। फिर उसके बाद चाय पत्ती पैकेजिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें, बोतल सेफ पाउच फिलिंग बिजनेस कैसे शुरू करें, यानी ये सब बिजनेस जो है इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट इन सब बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो परमार प्रोडक्ट कंपनी के पास आपको ये मशीन मिल जाएगी, कंपनी के नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अभी जाइए कॉल कीजिए। इस मशीन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा, कंपनी के स्टाफ द्वारा दे दी जाएगी। मशीन की क्या क्वालिफिकेशन है, मशीन की क्या प्राइस है, और हाँ दोस्तों इस मशीन की एक साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। एक साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आपको मशीन ठीक करके वापस देती है। ठीक है, आप देख सकते हो मशीन किस टाइप की है, बहुत ही छोटी सी मशीन है, कमर्शियल यूज के लिए आप इस मशीन को यूज में ले सकते हो। ठीक है, दिन में आप आराम से इस मशीन को 7-8 घंटे तक चला सकते हो, बीच में आप आधे एक घंटे का लंच टाइम जब करते हो जब इस मशीन को फ्री छोड़ दो, बाकी आप 7-8 घंटे तक आराम से जो है इस मशीन को चला सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस मशीन से जो है आप पूरे दिन में कितने पाउच पैक कर सकते हो, तो आप मिनिमम जो है ना एक घंटे के 50 पाउच भी समझते हो तो आपके 8 घंटे के 400 पाउच हो जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, मैनुअल मशीन है, तो इतने पाउच तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, परमार प्रोडक्ट कंपनी के पास आपको ये मशीन मिल जाएगी। इस मशीन के साथ आपको ये बुक भी दी जाती है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इस बुक के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।